दोस्तों जब ट्रेन ब्रिजों और सुरंगों से होकर गुजरती है तो सफर का मजा और भी बढ़ जाता है। अक्सर आप नॉर्मल रेलवे ट्रैक पर सफर किए होंगे, पर दुनिया के कुछ ऐसे भी रेलवे ट्रैक हैं जिनकी बनावट इतनी खतरनाक है कि जब भी वहां से ट्रेनें गुजरती है तो सफर के मुसाफिरों के केवल रोंगटे ही खड़े नहीं होते बल्कि अंतिम विदाई की भी याद आने लगती है। कुछ ट्रेन बड़ी बाजारों के बीच से गुजरती है तो कुछ बादलों को चीरते हुए जाती है और कुछ तो जिनको बनाने में ही काफी वर्कर ने अपने जान गंवा दी। तो चलिए जानते हैं वो और दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। पहला है कैम्बर्स एंड टॉलटेक स्क्रेनिक रेल रोड न्यू मैक्सिको। अमेरिका के न्यू मैक्सिको का यह रेल रोड बहुत ही पुराना है। यह अमेरिका की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है जो रॉकी पर्वतमाला से होकर गुजरती है। अधिक ऊंचाई होने के चलते ट्रैक पर सिर्फ स्टीम और कोयले के ही इंजन चलते हैं। लगभग 80 किलोमीटर का यह रेलवे ट्रैक चंबा, न्यू मैक्सिको और एंटरनिटो कोलोराडो को जोड़ता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह खतरनाक रेलवे ट्रैक मात्र 9 महीने में ही बनकर तैयार हो गया था। इसकी सबसे अधिक ऊंचाई जमीन से करीब 150 मीटर सेंट जॉन माउंटेन पर है। जब ट्रेन यहां से गुजरती है तो मुसाफिर अपना दिल थाम लेते हैं। दूसरा है डेविल्स नोज रेलवे इक्वाडोर। दोस्तों ये ट्रेन इक्वाडोर के एलाउजी और सलाम्बे के बीच एंडीज माउंटेन के ऊपर चलती है। इस खतरनाक पहाड़ पर स्थित यह रेलवे ट्रैक करीब 12 किलोमीटर लंबा है। 1905 में बनाया गया यह रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इस ट्रैक के एक तरफ जहां ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ गहरी खाई है जिसे देखकर यात्रियों के हालत पंचर हो जाते हैं। दोस्तों ये रेलवे ट्रैक इतना पतला है कि इसको बनाते समय सैकड़ों वर्कर की गिरकर मौत हो गई, इसलिए इसे डेविल्स नोज यानी शैतानों का नाक कहा जाता है। इस पटरी का टर्निंग इतना शार्प है कि ट्रेन के पटरी से स्लिप होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तीसरा, जकार्ता रेल रोड इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया में चलने वाली यह हाई स्पीड ट्रेन जकार्ता को इंडोनेशिया के शहर पंडुन से जोड़ती है। जकार्ता से पंडुन तक का यह सफर सिर्फ 3 घंटे का है। इस सफर के दौरान आपको कई खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस सफर का असली वजह तब शुरू होता है जब ट्रेन घने ट्रॉपिकल जंगल के ऊपर बनाए गए ब्रिज से होकर गुजरती है। तब यह मंजर काफी भयानक हो जाता है क्योंकि ट्रेन से नीचे देखने पर आपको जंगल का वो मंजर दिखाई देता है जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। चौथा, एसो मिनामी रूट जापान। यह रेलवे रूट जापान का सबसे खतरनाक रेलवे रूट माना जाता है। इस पटरी का कुछ भाग इतने पतले लोहे के पुल से होकर गुजरता है जो कि दोनों तरफ खुला हुआ है, इसलिए ट्रेन के पायलट को बड़ी सावधानी से ट्रेन को चलानी होती है क्योंकि लोको पायलट का एक गलत कदम ट्रेन को पटरी से सीधे नीचे गिरा सकता है। दोस्तों ये खतरा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है, आगे जाकर इस ट्रेन को एसो मिनामी ज्वालामुखी के पास होकर गुजरना होता है। एसो मिनामी जापान का सबसे पावरफुल और खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी है जिससे हर वक्त पटरियों पर ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। यहाँ सफर करने के दौरान बड़ी आसानी से इस ट्रैक के आसपास जलते हुए लावा को देख सकते हैं। भगवान न करे अगर ये ज्वालामुखी फूट जाता है तो इन यात्रियों को कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ से गुजरते हुए घने जंगल और गहरी घाटी नजर आएंगी जो ऊपर से देखने पर काफी डरावनी लगती है। पांचवा, रामेश्वरम रेलवे ट्रैक इंडिया। दोस्तों दक्षिण भारत में मौजूद यह रेलवे ट्रैक तमिलनाडु के रामेश्वरम से पम्बन द्वीप को जोड़ता है, इसलिए इसे पम्बन ब्रिज भी कहते हैं। इस पुल की टोटल लंबाई लगभग 2000 मीटर है। यह ब्रिज 24 फरवरी 1914 को बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर ट्रेन में सफर कर रहे यात्री जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो उसे चारों ओर समुद्र ही समुद्र दिखाई देते हैं, और जब इस समुद्र में विशालकाय लहरें उठती है तब ट्रेन में बैठे यात्रियों की सांसें थम जाती है। इस रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन का सफर इतना रोमांचक और खतरनाक होता है कि लोग यहां जाने से कतराते हैं। छठा है मेकलोंग मार्केट रेलवे ट्रैक थाईलैंड। दोस्तों ऐसे तो यह ट्रेन यात्रियों के लिए काफी सुरक्षित है, पर बाहर मौजूद लोगों के लिए यह ट्रेन काफी बड़ा खतरा है। दोस्तों थाईलैंड के मेकलोंग रेलवे स्टेशन के पास की पटरियां शहर के भारी मार्केट के बीचों बीच से होकर गुजरती है। हैरानी की बात तो यह है कि पटरियों के बीच में ही यहाँ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगती है। यहाँ पर जगह की कमी होने के कारण काफी लोग अपनी दुकान रेलवे पटरियों पर ही लगाते हैं, पर ट्रेन का आवाज सुनते ही सभी अपना सामान समेट लेते हैं और ट्रेन के जाते ही सभी वापस अपने दुकान लगा लेते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ट्रेन और इन लोगों के बीच में सिर्फ 1 फीट की दूरी होती है, इस वजह से इन लोगों पर हमेशा जान का खतरा रहता है। सातवां है ट्रेन टू द क्लाउड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बना यह रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक है। आपको बता दें कि यह रेलवे ट्रैक का निर्माण 1948 में किया गया था और इसको बनाने में कुल 27 साल लगे थे। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की पटरी जमीन से करीब 4220 फीट की ऊंचाई पर बना है और अक्सर यह रेलवे ट्रैक बादल में तैरती हुई दिखाई देती है, इसीलिए इस रेलवे ट्रैक को ट्रेन टू द क्लाउड भी कहा जाता है।
यहाँ पर ट्रेन करीब 21 सुरंग और 38 पुलों से होकर गुजरती है। दोस्तों यह रेलवे ट्रैक एंडीज माउंटेन के बीच से होकर गुजरती है और यह ट्रैक उत्तर पश्चिम अर्जेंटीना को चिली देश से जोड़ता है। क्योंकि इस रेलवे ट्रैक का बहुत अधिक हाइट पर होने के कारण यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट रोजाना इस ट्रैक का जाँच करते रहते हैं। अंतिम है डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड। दोस्तों डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंकॉक को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ता है। इस रेलवे ट्रैक का टोटल लंबाई लगभग 415 किलोमीटर है। यह रेलवे ट्रैक इतना खतरनाक है कि 1947 में इस ट्रैक पर ट्रेन का आवागमन बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक को बनाने में करीब 90,000 वर्कर ने भाग लिया और हजारों वर्कर कवाई नदी में गिरकर अपनी जान गंवा दी, इसलिए इस रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक कहा जाता है। दोस्तों इस दुर्घटना के बावजूद भी इस रेलवे ट्रैक को 10 साल बाद 1957 में फिर से खोल दिया गया। यहाँ सरसराती हुई हवा, फड़फड़ करती हुई ट्रेन की आवाज और दिल दहलाने वाली ऊंचाई ट्रेन में बैठे लोगों का रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ पर सफर करना कमजोर दिल वालों की बस की बात नहीं है। तो ये थे दुनिया के 8 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। दोस्तों क्या आप भी इस ट्रैक पर सफर का मजा लेना चाहेंगे? कमेंट में यस लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।